ऑलराइट, सो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप विंटर में अपनी स्किन की केयर कैसे कर सकते हो। पूरा स्किन केयर रूटीन बताने वाला हूँ, ए टू जेड, सुबह से लेकर रात तक का स्किन केयर रूटीन बताऊंगा। तो ये वीडियो देखते रहना, कंप्लीट डिटेल में वीडियो बनाया है, आपको बहुत मजा आएगी। तो सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। ऑलराइट, तो इस वीडियो के अंदर हम ना सारी स्किन टाइप ले लेंगे, मतलब ऑयली, ड्राई और मीडियम कंबाइंड स्किन, ये तीनों स्किन टाइप हम ले लेंगे। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपना स्किन केयर रूटीन। तो सबसे पहली चीज जो आती है वो ये है कि आप जब भी सुबह उठो उसके बाद आपको दो ग्लास पानी कंपलसरी पीना है। आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा यार ये फालतू की चीज है, लेकिन फालतू की चीज नहीं है। दो ग्लास पानी अगर सुबह उठ के पियोगे, एक महीना करोगे ना, डेफिनेटली आप रिजल्ट देख पाओगे कि आपकी जो एक्ने की प्रॉब्लम थी, पिंपल की प्रॉब्लम थी, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। उसके बाद नॉर्मली पानी से अपने मुंह को धो लो, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि पानी बहुत ज्यादा ठंडा भी ना हो और बहुत ज्यादा गर्म भी ना हो। उसके बाद आपको चाहिए होगा गुलाब जल, मैं इसको फ्रिज के अंदर रखता हूँ, सो दैट जब भी मैं इससे अपने मुंह को वॉश करता हूँ तो ये काफी अच्छा इफेक्ट देता है। तो सेम आप इसको फ्रिज के अंदर रख सकते हो। गुलाब जल आपको थोड़ा सा लेना है, अपने चेहरे पे लगाना है, अपने चेहरे को रब करना है, थोड़ा हल्का मसाज करना है गुलाब जल लगा के। रोज वाटर से फेस वॉश करने के बाद बारी आती है मुल्तानी मिट्टी की। मैं पतंजलि की मुल्तानी मिट्टी आपको रिकमेंड करूंगा, बिकॉज इससे बेस्ट यार मैंने आज तक कोई भी मुल्तानी मिट्टी यूज नहीं किया। और ये कोई पेड वीडियो नहीं है, ये वही वीडियो है जो मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ और मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट चीज है ये मुल्तानी मिट्टी। इससे पिंपल ना ऐसे यूं भाग जाते हैं जादू के जैसे, बहुत अच्छे से वर्क करती है। आपको सिंपली थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी लेनी है, अपने फेस के ऊपर अप्लाई करनी है और इसको करीबन आपको देखना, मैं जिस तरह से मसाज कर रहा हूँ आपको ऐसे ऐसे हल्के हल्के हाथों से मसाज भी करनी है। 2 मिनट तक आप इसको हल्के हाथ से मसाज करो और इसको 15 मिनट तक ऐसे के ऐसे रहने दो, ये सूख जाएगी। सूखने के बाद नॉर्मली इसको पानी से वॉश कर लो। मुल्तानी मिट्टी लगाने के बाद बारी आएगी मॉइस्चराइजर की। अब देखो सर्दियों में हमारी चमड़ी ना थोड़ी फट रही होती है, हमारी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, कौन सा मॉइस्चराइजर बेस्ट रहेगा? देखो आंख ऐसे बंद करके सिटाफिल मॉइस्चराइजिंग लोशन, अगर आपकी ड्राई या कंबाइंड स्किन है, इससे बेस्ट आपको कोई और मॉइस्चराइजर नहीं मिलेगा। नॉन कॉमेडोजेनिक है, मतलब इससे आपको कोई भी एक्ने या पिंपल की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप कौन सा मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो। देखो बहुत सिंपल है, कोई भी ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो। इसके लिए भी बहुत सारे ऑप्शन है, आप न्यूट्रोजीना का भी ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप सेटाफिल का भी एक ऑयल फ्री आता है वो यूज कर सकते हो। निविया के मॉइस्चराइजर भी काफी अच्छे आते हैं, आप वो भी यूज कर सकते हो, आपके पास काफी ऑप्शन है। अब इसके बाद आप मुझे पूछोगे भैया मॉइस्चराइजर तो ले लिया लेकिन अब सनस्क्रीन का क्या? अब देखो यार मैं आपको ऑनेस्टली एक चीज बता दूं, सच्चे दिल से एक चीज बता रहा हूँ। देखो समर्स और ये रेनी सीजन, इनके अंदर हमको ना बहुत ज्यादा पिंपल हो जाती है, मतलब एक लिमिट से भी पार। आपने भी ये चीज महसूस 100% की होगी, ठीक है? तो अब हमको इतनी सारी पिंपल हो चुकी है, अगर हम सब ये विंटर के अंदर भी ऐसे बहुत सारी क्रीम्स भी लगाएंगे ना तो क्या होगा, आपकी स्किन ठीक नहीं हो पाएगी। विंटर्स के अंदर आप क्या कर सकते हो, अपनी स्किन को हील होने का पूरा टाइम दे सकते हो, बिकॉज जो धूप होती है वो इतनी तेज नहीं होती है। आप उसको नॉर्मली एक रुमाल पहन लो, उससे भी वो धूप बच जाएगी, ठीक है? स्किन थोड़ा सा नॉर्मल रह लो विंटर के अंदर, डेफिनेटली आप देखोगे कि आपकी स्किन के अंदर बहुत फर्क आ रहा है, जो आपको पिंपल मार्क्स थे वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कोई और क्रीम यूज करोगे उससे वापस आपको पिंपल आएगी, इसीलिए मैं कोई सनस्क्रीन नहीं सजेस्ट कर रहा, आप नॉर्मली एक मॉइस्चराइजर लगा लो, वो आपके लिए काफी अच्छे से वर्क करेगा। हमारा सुबह का स्किन केयर रूटीन, अब देखो मुल्तानी मिट्टी अगर आपकी एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है ना तो वीक में 2 बार यूज करना, अगर आपकी कंबाइंड स्किन है या फिर ऑयली स्किन है तो आप इसको वीक में 3 बार यूज कर सकते हो। मुल्तानी मिट्टी यूज करने के बाद कोई भी फेस वॉश यूज ना करें, बस यही आपके लिए फेस वॉश जैसे वर्क कर देगी। इसके बाद बारी आती है दोपहर की। आप में से बहुत सारे लोग मेरे से आके एक सवाल जरूर पूछते हो कि भैया आप कहते हो दिन में सिर्फ 2 बार फेस वॉश करें, लेकिन जब हम स्कूल या कॉलेज से वापस आते हैं तो हमारे चेहरे पे पॉल्यूशन आ जाती है, उसको कैसे ठीक करेंगे? तो बहुत इजी है, जब भी आप दोपहर को अपनी स्कूल या कॉलेज से वापस आओ तब नॉर्मल पानी ले लो, उससे अपने मुंह को वॉश करो, थोड़े अच्छे से ऐसे हल्के हल्के हाथों से लगा के उसको वॉश करना। उसके बाद थोड़ा सा रोज वाटर लेना और उसको अपने चेहरे पे लगाना और उससे भी हल्की मसाज कर देना 1 मिनट के लिए और उसको ऐसे कैसे छोड़ देना, ठीक है? और फिर नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना, तो आपका पॉल्यूशन भी निकल जाएगा और आपको दोबारा फेस वॉश भी नहीं करना पड़ेगा। अब बारी आती है रात को क्या यूज करना है। देखो आपको पूरे दिन का डर्ट और पॉल्यूशन है और अब आप अभी मुल्तानी मिट्टी लगाओगे तो वो इतनी इफेक्टिव नहीं होगी, तो आपको चाहिए एक फेस वॉश। तो मैं यूज कर रहा हूँ पतंजलि का हर्बल फेस वॉश, ये काफी अच्छे से वर्क करता है, एक्टिवेटेड कार्बन एंड विटामिन इन इसका पूरा नाम है। अब एक और चीज मैं आपसे क्लियर कर दूं कि थोड़े टाइम बाद, क्योंकि अभी इतनी ज्यादा ठंडी नहीं है कि मेरा चेहरा फट रहा हो, लेकिन जब बहुत ज्यादा सर्दियां स्टार्ट हो जाएगी, दिसंबर आ जाएगा,
तब मैं एक फेस क्लींजर पे शिफ्ट कर दूंगा, उसका नाम है ई मॉडल फेस क्लींजिंग लोशन। वो ड्राई और कंबाइन स्किन के लिए बहुत बेस्ट है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसी के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। इसके बाद बारी आती है रात को कौन सी क्रीम यूज करनी है। देखो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको डेफिनेटली एक मॉइस्चराइजर की जरूरत पड़ेगी, तो जो सेटाफिल का मॉइस्चराइजर आपने सुबह लगाया था वो आप सेम रात को लगा के सो सकते हो। लेकिन अगर आपकी स्किन है कंबाइन या ऑयली तो हो सकता है शायद आपको इसकी जरूरत ना पड़े, आपको मॉइस्चराइजर की जरूरत ना पड़े, बिकॉज आपकी स्किन शायद ड्राई नहीं हो रही होगी। तो आप क्या यूज कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो गुलाब जल। ये आपको क्या करना है, थोड़ा सा हाथ में लेना है और अपने चेहरे पे ऐसे अप्लाई करना है। ये एज अ टोनर वर्क करेगा, आप इसको पूरी रात लगा के सो सकते हो। थोड़े ही टाइम में आप एक चीज नोटिस करोगे कि आपके जो पोर्स थे वो थोड़े थोड़े कम हो जाएंगे, उसके अलावा जो डार्क स्पॉट थे वो भी धीरे 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 करके फेड हो जाएंगे। कोई क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है, रोज वाटर बेस्ट रहेगा आपके लिए। और आपके लिए एक छोटे से फायदे वाली बात है, डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दी गई है। जैसे ही आप नीचे दी गई लिंक पे क्लिक करोगे आप कैश करो के वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। यहाँ पे जाके आपको साइन अप करना है। साइन अप करते ही आपको यहाँ पे देखिए 50 रुपीज का जो है आपको कैशबैक मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च बार में जाना है, यहाँ पे सर्च करना है नाइका, उसके बाद आपको एक्टिवेट कैशबैक का ऑप्शन क्लिक करना है, फिर विजिट रिटेलर करना है, और फिर जैसे आप नॉर्मली शॉपिंग करते हो वैसे आपको शॉप करना है। तो अगर हम यहाँ पे कुछ निविया के बारे में खरीदना चाहते हैं, अगर हम निविया की क्रीम खरीद रहे हैं तो हम स्किन केयर में जाएंगे। यहाँ पे आपको देख सकते हो यहाँ पे हमको मॉइस्चराइजर का ऑप्शन दिख रहा है, तो उसको क्लिक कर लेना। तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो यहाँ से जाके आप निविया की क्रीम खरीद सकते हो। इसमें आपके पैसे भी बच जाएंगे, आपको कैशबैक भी मिल जाएगा। इसके अलावा आपको कैशबैक 45 से 60 डेज के बीच में मिल जाएगा आपके कैश करो के अकाउंट के अंदर। और जब आपका कैशबैक 250 रुपीज़ के ऊपर चले जाएगा तब आप उसको इंस्टेंट बैंक ट्रांसफर कर सकते हो। इसके अलावा कैशबैक इंस्टेंटली ट्रैक हो जाएगा। ये वाला स्किन केयर रूटीन फॉलो करो और हरी सब्जियां ज्यादा खाना विंटर के अंदर, आपको पिंपल की प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो समर या रेनी सीजन में आपको जो पिंपल हो गए थे बड़े बड़े वाले और उनसे जो डैमेज हुआ था वो डैमेज भी इस विंटर के अंदर कंप्लीटली फुल हो जाएगा। तो आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर चैनल में पहली बार हो, अगर पहली बार मुझे देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। ऐसी और वीडियोस आती रहेगी, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।